पिछले 2-3 सालों से मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक बिल्कुल मैं कहती हूँ कि चने के दाल के बराबर एक दाना था। उसके बाद पता चला कि यस इट इज़ कैंसर। नॉमिनीज बनाए मैंने अपने नाते रिश्तेदारों के बच्चों की शादियों में क्या होने वाला, क्या देने लेने वाला है, वो सब भी बना बना करके चिट लगा लगा करके बच्चों को बता दिया था। लोग इसलिए आते थे मुझे देखने कि अरे मैं बिना बालों के कैसी लगती हूँ। जी हाँ विभा जी, आ गई हैं यहाँ एक कैंसर सर्वाइवर, और जिसे मैं अपने शब्दों में कैंसर अचीवर कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब मुझे कैंसर हुआ और कैंसर से मैं बाहर निकली तो मैंने 3 शब्द अपनी जिंदगी कैंसर की ज़िंदगी से निकाल के डाले हैं। कैंसर सर्वाइवर के लिए मैं कैंसर अचीवर कहती हूँ कि जो कैंसर को पीछे छोड़ करके ज़िंदगी जिसने अचीव किया है, तो मैं कैंसर अचीवर हूँ, आप कैंसर सर्वाइवर कह सकते हैं। 2013 में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। कैसे हुआ ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कैसे मैंने इसको पहचाना ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक बिल्कुल मैं कहती हूँ कि चने के दाल के बराबर एक दाना था। और चूंकि मैं बहुत पढ़ती थी तो ये दिमाग में था कि सेल्फ टेस्ट करते रहना चाहिए, तो मैं सेल्फ टेस्ट करती थी और मैं देखती थी कि ये इसका आकार बढ़ रहा है। मैं जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम महिलाएं बहुत बेवकूफ़ होती हैं, जैसे ही ब्रेस्ट यूट्रस की बात आती है तो हम सीधे गायनेकोलॉजिस्ट की ओर दौड़ लगाती हैं, हमें लगता है कि वही सबका इलाज है। तो मैं भी जाती थी और मैंने बॉम्बे में दिखाया, मैं चेन्नई में थी, चेन्नई में दिखाया, और सब ने मुझे यही कहा कि नथिंग मैम, आफ्टर 40 मैंने आपके बॉडी में जो है वो 70 गांठ निकलती रहती है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उसका साइज बढ़ रहा था, पेन कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं यहीं बॉम्बे में यहाँ कोकला बेन अंबानी हॉस्पिटल में गई और वहाँ मैं किसी दूसरी चीज़ के लिए गई थी और अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे दिखा लेना चाहिए। अगेन मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, वहाँ के थैंक्स टू देयर नर्सेज कि उन्होंने मेरी बात जान करके और कहा कि आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हैं, आप सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए। वहाँ मैंने दिखाया, फिर जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, बायोप्सी और वो सब, और उसके बाद पता चला कि यस इट इज़ कैंसर। अब एक जो सारी चीज़ें होती हैं कि जो कैंसर के लिए मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल हर केस में नहीं होता, इट डिपेंड्स केस टू केस। लाइक इन माय केस माय ब्रेस्ट हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड। मेरे साथ है, मेरे घर में लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि बहुत पहले मेरे मामा जी और 2 साल पहले मेरी जिठानी वो ब्रेस्ट कैंसर से गई थी, और मेरे बड़े भाई वो जीभ के कैंसर से गए थे, तो मेरे दोनों ही तरफ के लोग बहुत डरे हुए तो रो रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप लोग अगर रोएंगे तो मेरा क्या होगा। अब मेरे सामने यही था कि या तो मैं तीसरे के साथ साथ मैं चौथा बनूं या फिर मैं उससे निकलने की कोशिश करूं, तो मैंने दूसरा ऑप्शन सुना। अब दूसरे ऑप्शन के लिए तैयारी क्या करनी है, अपनी तैयारी एक तरीके से खुद की, मेरी किताबें हैं समृद्ध और क्योंकि जिद है जो कविताओं का है, उसमें मैंने लिखा कि मैंने पूरी तैयारी की, मानसिक रूप से मेंटल प्रिपरेशन। मैं ऑफिस में थी, मैंने अपने सारे, आप ये कह लीजिए कि सारे बैंक अकाउंट, ये वो सारे नॉमिनीज बनाए मैंने अपने नाते रिश्तेदारों के बच्चों की शादियों में क्या होने वाला, क्या देने लेने वाला है, वो सब भी बना बना करके चिट लगा लगा करके बच्चों को बता दिया था। अब उसके बाद हुई कि सर्जरी के बाद केमो के बाद का जो प्रिपरेशन है कि आपके बाल झड़ते हैं, आपके चेहरे का रंग, आपकी पूरी अपीयरेंस चेंज होती है, तो उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार करना। मैंने कभी भी विग नहीं लगाया, मैं कभी भी सिर्फ पहले 1 या 2 दिन मैंने खुले बाल, मतलब ऐसे कुछ दुपट्टे वगैरह रखे थे क्योंकि वो बाल नहीं रहे तो एकदम डायरेक्ट ऐसे हवा आती थी, और तो उससे बचने के लिए 1-2 दिन मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि मैं जो हूँ जैसे हूँ, और अगर मैंने उसको कहा कि चलो ये कैंसर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस तरह से भी रह सकती हूँ, ऐसे तो शायद मैं कभी भी अपने बाल नहीं मुड़वा सकती, शायद इतनी हिम्मत अभी भी नहीं है, लेकिन वो मौका है, तो जिसको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो ये आपदा में अवसर थे, तो मैंने उसको अवेल किया। मैं लेकिन खूब बनती संवरती थी, मैं जब केमो के लिए जाती थी तो मेरे डॉक्टर और नर्स वगैरह सब बड़े खुश हो जाते थे कि अच्छा हाँ कम से कम एक ब्राइट चेहरा आया, कि ये जो है फुल लिपस्टिक, बड़ी बिंदी और ये वो सब करके आती थी। खाना पीने का मैंने खूब ख्याल रखा और जितना हो सकता था मैं खाती थी, और सबसे ज़रूरी जो डॉक्टर ने कहा था वो रिलीजियसली मैंने उसको फॉलो किया। डॉक्टर ने कहा आपको डायरेक्ट हीट से बचना है, मतलब सनलाइट से बचना है और किचन फ्लेम से बचना है,
तो मैं किचन में नहीं जाती थी और डायरेक्ट हीट में मैं धूप में नहीं निकलती थी। डॉक्टर ने कहा कि आप पब्लिक अपीयरेंस से कुछ दिनों तक बचिए। मैं कह रही थी कि मैं तो स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैं तो थिएटर परफॉर्मर हूँ। उन्होंने कहा यू विल रॉक ऑन द स्टेज बट नॉट नाउ, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड देन यू विल। तो उस तरीके से मैंने जो जो उन्होंने जैसे कहा, और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास उसके बाद जब लोग आते पूछते हैं डॉक्टर ने ये किया, मैंने ये कहा, हमने कहा प्लीज़ मत कीजिए डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर चुनिए, अच्छा डॉक्टर चुन करके अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर चुनिए और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, उसके बाद तो छोड़ दीजिए। अगर मुझे जाना रहेगा तो ऐसे भी हम कोई अमृत पी करके तो आए नहीं हैं, जाना तो है ही एक दिन, लेकिन कैंसर जाने जाते जाते तक हमको जीने की जिद और जिजीविषा देता है और उसको आप ज़रूर देखिए, ज़रूर मानिए और ज़रूर फॉलो कीजिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव बने रहने से आप भी थोड़े अच्छे फील करेंगे, आपके आसपास के लोग फील करेंगे और निगेटिव एनर्जी जो भी आए ना, कि जैसे मैंने आपसे पिछली बार कहा कि लोग इसलिए आते थे मुझे देखने कि अरे मैं बिना बालों के कैसी लगती हूँ, मेरा रंग काला और काला, ऐसे ही काली हूँ और काला पड़ गया था तो मैं कैसी दिखती हूँ, ऐसी एनर्जी को थोड़ा अपने से दूर रखिए, तो वो हमारे लिए और हमारे अपने आसपास के लिए बहुत ये रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो ज़रूर इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि जो भी सिचुएशन है, कैंसर बड़ी बीमारी है और खर्चीली बीमारी है, तो आपके पास इतना ये हो कि कम से कम फिनेंशियली आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर कर लें और उसके बाद जो है तन मन धन से उसके लिए लड़ाई लड़िए। और जो आपको अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है तो जैसे समय मिले आप नाचिए, आप गाइए, पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ गुनगुनाना अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है तो आप घर में ही आपके जो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से आप कीजिए। अपने से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा होने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक भी होने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल उसमें आप रहें, फिर तो जो है ना कि आप हैं और आपकी दुनिया है और दुनिया कर लो अपनी मुट्ठी में।